हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो का टॉपिक जो है वो विंडो 10 के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, विंडो 10। हम लोग में से बहुत सारे यूजर्स जो हैं विंडो 10 यूज करते हैं, बट हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि विंडो 10 जो ओरिजिनल हम लोग यूज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। जो लोग पायरेटेड यूज करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है उनका विंडो जो है हमेशा अपडेट होते रहता है और उनका डेटा जो है बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें उपाय और क्या है उसका समाधान, तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे चले आइए, वहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जाएँगे कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। जी हाँ, सेटिंग को ओपन कर लेना है। और सेटिंग को ओपन करने के बाद जो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम डिवाइस ये सब में आपको नहीं जाना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप जैसे देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। जी हाँ, अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पे हमें इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद विंडो अपडेट में हमें जाना है। जी हाँ, विंडो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको खुला हुआ मिलेगा नीचे में विंडो अपडेट, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ये आपका विंडोज का नोटिफिकेशन है, यानी कि अभी तक कोई अपडेट आपने नहीं किया है। ये मेरे सिस्टम पे है, हो सकता है आपके पास भी ऐसा हो। चलिए एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए, सबसे पहला जो है पुश अपडेट्स, और जैसा कि देख सकते हैं इस मैसेज को आप पढ़िए, पुश अपडेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको भी आप देख लीजिए और इसको यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, इसको हमने यहाँ पे किया ऑफ। अब ये मत समझिए कि इसको ऑफ कर दिए तो आपका जो विंडो है अपडेट नहीं होगा। जी हाँ, अभी बहुत सारे सेटिंग में जाके उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको भी ऑफ करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे भी हम इसे ऑफ करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको ऑफ कर लिया। उसके बाद फिर से आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। लिमिट जो है यहाँ पे सभी को आपको एकदम मिनिमम कर देना है, जो भी अपलोडिंग वगैरह, इससे आपका डेटा कंज्यूम कम होगा। ये सब ऑफ करने के बाद हमें चलना है एक और सेटिंग में। जी हाँ, तो यहाँ से क्लोज करेंगे अपने हम इस। इसके बाद हमें चलना है कमांड पे। जी हाँ, कमांड के लिए सिंपली साफ आप यहाँ पे CMD भी लिख सकते हैं, कमांड को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया है। जी हाँ, ये जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और इस पे हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं टाइप करना है। अगर आपको यहाँ से टाइप करने में दिक्कत हो तो मैं एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको आप सीधा क्लोज कर लीजिए, आप अपने कीबोर्ड पे विंडोज प्लस R दबाइए, विंडोज प्लस R रन, और वहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है। मैंने टाइप करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपली आपको टाइप करना है services.msc। जी हाँ, इसको आपको सिंपली टाइप कर लेना है। तो चलिए टाइप करने के बाद हमें सीधा यहाँ पे इंटर करना है। तो ओके करते हैं और इंटर करते हैं सेटिंग। जी हाँ, अब यहाँ पे सर्विसेज का जो सारे सेटिंग से यहाँ पे ओपन हो चुके। अब यहाँ पे हमें जाना है, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए, जैसे मैंने ऑटो टाइम जोन पे क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली आपको W पे क्लिक करना है और विंडो अपडेट को ढूंढना है, फाइंड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं विंडो अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हमें चलना है, इंटर करना है।
तो आप माउस से भी क्लिक करके इंटर हो सकते हैं, कीबोर्ड से भी हो सकते हैं। तो इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे एक देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है स्टार्टअप टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट। जी हाँ, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला जो यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक को यहाँ पे डिसेबल करना है, यानी कि यहाँ से इसको बंद करना है। जी हाँ, सिंपली से इसको आप बंद कर लीजिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है यहाँ वाला ऑप्शन आपको सिंपली से डिसेबल करना है। उसके बाद इसको स्टॉप भी करना है। जी हाँ, यहाँ पे इसको आप स्टॉप कीजिए और नीचे चलते हैं, यहाँ पे सिंपली आप इसको अप्लाई कीजिए और ओके कर लीजिए। जी हाँ, कंफर्मेशन के लिए आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको विंडो अपडेट, और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है यहाँ भी बंद है, यहाँ भी स्टॉप है, सिंपली इसको ओके करना है। अब आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है और इसको क्लोज करना है। बट रुको 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 गाइस, अभी यहाँ पे और कुछ बाकी है, ये भी देख लो। अब आपको सिंपली जो है एक और ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आपको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके फुल्ली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपका जो फुल्ली है अपडेट का ऑप्शन जो है बंद होगा, आपका डेटा कंज्यूम कम होगा। यहाँ पे सिंपली आपको विंडोज स्टोर भी आपको ओपन करना है। जी हाँ, स्टोर को भी आपको ओपन करना है। मैंने फिलहाल नेट को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, आपको इंटरनेट भी कनेक्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले नेट को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो सेटिंग है वो इंटरनेट से ही खुलेगा। चलिए, नेट को मैंने सिंपली किया कनेक्ट, और कनेक्ट करने पर इसको करते हैं क्लोज, और फिर से यहाँ पर ओपन करते हैं स्टोर को। तो स्टोर में जाने के बाद जो हमें सबसे पहला काम जो करना है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाना है और नीचे डाउनलोड एंड अपडेट्स है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी इसे बंद करके रखा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ऑफ करना है। अपडेट ऐप्स ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे, यानी कि ऑटोमेटिक जो भी ऐप्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, इसको आपको ऑफ किए हुए रखना है। फिर नीचे आता है लाइव स्टेटस टाइप का, जो आपके विंडोज होते हैं उस पर लाइव आपका डेट एंड टाइम या न्यूज फीड है, उससे भी आपको डेटा कंज्यूम होने के चांस रहता है, तो इसको भी आप ऑफ कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको कहीं कुछ करना है नहीं, इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। और मैं गारंटी के साथ इस चीज़ को कहता हूँ कि ये जो है आपका डेटा नहीं कंज्यूम करेगा। बहुत लोग ये व्हाट्सएप पे या आप देख लीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि भाई विंडोज 10 का जो फुल्ली अपडेट ऑफ करने का तरीका बताओ। तो फिलहाल मैंने आपको ये तरीका बताया, और सिंपली से अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको विंडोज 10 से रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।